नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है बीजेपी नेता किरीट सौम्या की पत्नी मेधा सौम्या को लेकर की अर्जी पर मुंबई के शिवडी कोर्ट में सुनवाई हुई। मेधा सौम्या ने शिवसेना यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि मामला दायर किया है। मेधा ने शिवडी कोर्ट में मानहानि की अर्जी दायर की है। बता दें कि राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने कहा कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। इसके साथ साथ ही 6 जनवरी यानी कि आज संजय राउत अदालत नहीं आए। इस पर राउत ने वकील ने कहा, हमें समय चाहिए। सौम्या के वकील लक्ष्मण कनल ने कहा कि जब तक अदालत वारंट जारी नहीं करेगी तब तक राउत हाजिर नहीं होंगे। राउत के वकील की तरफ से मांगे गए समय को अदालत ने खारिज कर दिया। मेधा ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि राउत के खिलाफ मैंने शिकायत की है क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जिससे मेरी बदनामी हुई है। मैं संजय राउत के सामने ऑनलाइन में 12 अप्रैल 2022 को लिखा, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए कि मैंने करोड़ों का शौचालय घोटाला किया है, उन्होंने अपना लेख में लिखा था। मेधा सौम्या ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मीरा भाईंदर इलाके में 16 शौचालय के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर मेधा सौम्या ने 3,90,00,000 का घोटाला किया। सौम्या की ओर कहा गया, इस लेख से मुझे काफी मानसिक तनाव हुआ और इस लेख के बाद से मेरे रिश्तेदार और मित्र सभी मुझे शक की नजर से देखने लगे और मुझसे सवाल करने लगे। इससे मेरी और परिवार के समाज में बदनामी हुई और मेरी छवि धूमिल हुई। इस लेख के बाद से मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म आने लगी, इससे मेरी मानहानि हुई। उल्लेखनीय है कि संजय राउत सांसद है और सामना पेपर के संपादक भी होंगे। लेख के बाद एक मीडिया चैनल ने भी खबर चलाई थी कि मेधा सौम्या ने शौचालय घोटाला किया। इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लेकिन अब आपका ये कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।